दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज के वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे आपको यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, तो आप इन सभी को देख सकते हैं आसानी से। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ। आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ए टू जेड, आप अगर उसमें हिंदी आता है तो आपको यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। और आप, मैं नहीं कहूँगा कि आप गलत करके आते हो नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग गलत करके आते हैं। मैं आपकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैक्सिमम से ज़्यादा यहाँ पे गलतियाँ होती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि लगता ही नहीं कि यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो वहाँ पे गलत हो जाता है। जहाँ पे ऐसा होता है कि गलत नहीं है, वहीं पर गलत होता है। तो वो सारी चीज़ें हमें, हमारी परीक्षा में ना हो ऐसी गलती, इसलिए हम आज यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं या अपने आप को समझते हैं कि आप हिंदी के महारथी हैं, आपको आपसे गलत हो ही नहीं सकता, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। बताइएगा कि आपने पूरा सही किया या नहीं किया। हो ही नहीं सकता कि आप किसी एक में भी ना फंसें। ठीक है, तो खैर शुरू करते हैं आज हम लोग आज का टॉपिक, और हम लोग आज शुद्ध तथा अशुद्ध वाक्य की चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, शुद्ध तथा अशुद्ध वाक्य का मतलब हो जाता है कि कुछ हिंदी में जो एक प्रकार से जो हम लोग हिंदी बोलते हैं तो वो शुद्ध नहीं होती है। जिस प्रकार से होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग, सभी लोग कहते हैं हमें हिंदी आती है, लेकिन हमको शुद्ध हिंदी नहीं आती है ना, शुद्ध हिंदी नहीं आती। शुद्ध को भी शुद्ध बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोलने में भी हम लोग गलती कर जाते हैं, वर्तनी गलती हो जाती है। तो देखिए, जो अशुद्ध वाक्य है उनको मैंने लगभग यहाँ पे 6 भाग में बांटा है, कि लगभग 6 भाग, इससे ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती हैं, यहीं से प्रश्न बनते हैं। इसलिए देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है स्वर से संबंधित गलतियाँ। जो स्वर से संबंधित गलतियाँ होती हैं, मतलब कोई भी सेंटेंस रहेगा उसमें स्वर से संबंधित गलती होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए व्यंजन से संबंधित गलती होती है। अब व्यंजन से संबंधित गलती क्या होती है, कि कोई भी वाक्य दिया है, ठीक है, वाक्य दिया है, उसमें कोई व्यंजन गलत होता है। मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, बस मैं अभी आपको ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ कि मुझे आज पढ़ाना क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद शब्द निर्माण। शब्द निर्माण मतलब जो शब्द बनता है, ठीक है, उस शब्द से गलती, जो गलती होती है वे। उसके बाद शब्द चयन, अनावश्यक शब्द, और व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, व्याकरण से संबंधित गलतियाँ। अब देखिए समझते कैसे हैं, थोड़ा इसको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो आप लोग थोड़ा सोचिए कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है। सबसे छोटी इकाई एक टाइप से आप समझ लीजिए स्वर है ना, जो स्वतंत्र होगा वही सबसे छोटी इकाई, वही इकाई हो जाती है, वही यूनिट हो जाती है। तो कोई भी वाक्य है तो उसकी इकाई क्या कही जाएगी, उसको हम स्वर को हम इकाई मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, क्योंकि वही क्या होता है, स्वतंत्र होता है और उसी से सब मिल के बनता है। उसके बाद स्वर से बड़ा क्या आता है, व्यंजन आता है। व्यंजन, जब व्यंजन मिलते हैं तो क्या बनते हैं, शब्द मिलते हैं, और शब्द मिलके क्या बनता है, वाक्य बनता है। ठीक है, तो कुल मिलाके हमको अगर वाक्य शुद्ध करना है तो उसके लिए हमको स्वर को भी ध्यान देना पड़ेगा, व्यंजन को भी ध्यान देना पड़ेगा, और शब्दों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद हम जो शब्द है, अब वो शब्द भी सही है या गलत उस पर ध्यान देना है, और उसके बाद व्याकरण में कौन कौन सी गलतियाँ हैं उसको समझना है। ये सारा प्रोसेस है। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, और इन 6 आधार पे मैं समझाते चला जाऊंगा कि कहाँ पे कौन कौन सी गलतियाँ आती हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और मेरे साथ आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे ये गलती है और यहाँ पर ये गलती है। ठीक है, देखिए सबसे पहला शब्द यहाँ पे देखिए, बारात में 200 लोग थे। मैं इधर हो जाऊँ अगर आपको समस्या हो। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हैं एक बार में। ठीक है, अब देखिए पहला है, आप लोग इसके साथ बोलचाल लिया, देखिए बारात में 200 लोग थे। तो बारात में 200 लोग थे तो इसमें गलत कहाँ पे है, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे जो गलती है, यहाँ पे बारात में गलती है। देखिए बारात नहीं होता है, यहाँ पे होता है बारात होता है। ठीक है, बारात लिखा हुआ है ना, तो बारात की जगह होता है बारात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बारात होगा। ठीक है, इसका जो शुद्ध है वे बारात होगा। दूसरे वाले में जल्दी से बताएं, और ये देखिए ये स्वर से संबंधित गलती है, इसलिए स्वर से हम लोग लाइन पे लिखे हुए लाइन बाई वाइज इसके। अब देखिए बरसात में मेंढक टर्राते हैं, इसमें थोड़ा सा बताइए गलती कहाँ पर है। यहाँ पे तो बहुत कुछ सही लग रहा होगा आपको, यहाँ पे लग रहा होगा कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ टर्राते हैं गलत है या बरसात में कुछ गलत है, तो थोड़ा सोचिए इसमें कहाँ गलत है।
तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मंढक दिखा है, देखिए ये ड है, क्या है ये ढ है, ढ ठीक है, ये क्या है ढ है, ढ मेंढक नहीं है, ढ नहीं है, ढ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बिंदु लगा हुआ है, दिख रहा है ना, तो ये गलत है यहाँ पर। यही सब छोटी छोटी गलती दे देता है। अब सोचिए एग्जाम में अगर आपको पेपर है, आपका इतना ज़्यादा प्रेशर है, मेंटल प्रेशर रहता है एग्जाम में, और आपको यहाँ छोटी सी माइनर गलती दे दिया जाए, यहाँ पे बिंदु लगा दिया जाए, तो यहाँ पे आप नहीं पकड़ पाते हो, आप उसको सही करके आगे बढ़ जाते हो, है ना। तो ये गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखते चलो। और मैं ऐसे सेंटेंस लिया भी हूँ, यहाँ पे मेंढक भी नहीं होगा, मेन भी नहीं लगता, मेंढक होता है, ठीक है, मेंढक, ठीक है, इसको कहते हैं मेंढक। अब देखिए, वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई, जरा बताएं इसमें क्या होगा, इसका आप लोग खुद सोचें। वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, वहाँ भारी भीड़ एकत्रित थोड़ी नहीं होगा, एकत्र हो गई, एकत्रित मतलब एक टाइप से एक लिमिट हो जाती है, या कुछ एक दो लोग के लिए, मतलब कि एक लिमिट हो गई, बाउंडेशन हो गई, लेकिन वहाँ पे एकत्रित नहीं होगा, यहाँ पे होगा एकत्र हो गई, ठीक है। ये कैसा हो गई, ये देखिए शब्द में गलती आ गई, मैं देखिए लाइन से चल रहा हूँ, यहाँ पे स्वर था, फिर व्यंजन, फिर शब्द निर्माण, यहाँ पे देखिए शब्द निर्माण में गलती हो गई, एकत्रित की जगह यहाँ पे एकत्र होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, इस समय आपकी आयु कितनी है, पूछ नहीं रहा हूँ, आप इसका गलत बताइए, इसमें कौन कौन सी गलत है, ठीक है। अब बताइए इस समय आपकी आयु कितनी है, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या गलतियाँ हैं, इसमें जो गलत है वे है आपका आयु, ठीक है, यहाँ पे एकत्रित, यहाँ पे आयु, यहाँ आयु की जगह क्या होगा दोस्तों, आयु की जगह होगा उम्र, क्यों, देखिए इस समय आपकी उम्र कितनी है, ये शुद्ध होगा, ठीक है, यहाँ पे आयु कितनी है ये शुद्ध नहीं बनता, उम्र जो है वे हमारा उचित शब्द यहाँ पर होगा, याद रखिएगा। वहाँ पर कितने लोग थे, इसका सही उत्तर बताएं, यहाँ पे क्या गलत है जल्दी से देखें, वहाँ पर कितने लोग थे, देखिए अब यहाँ पे जैसे आयु था, ठीक है, आयु क्या है दोस्तों, आयु से हमारा हो गया ये हमारा शब्द चयन, शब्द चयन का मतलब हो गया कि हम कौन सा शब्द चुनते हैं, मतलब कौन सा शब्द चुनने का मतलब कि इस वाक्य को बनाने में हम किस शब्द का चयन किए, यहाँ पे आयु का शब्द का चयन किया था, इसलिए गलत हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं शब्द अनावश्यक शब्द की, यानी यहाँ पे कोई एक ऐसा शब्द है जो अनावश्यक है, और जल्दी से बताएं भाई अनावश्यक शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर जो अनावश्यक शब्द है वे है पर। अच्छा बताएं वहाँ पर कितने लोग थे या वहाँ कितने लोग थे, दोनों में से सही कौन सा है, वहाँ कितने लोग थे ये सही है, ठीक है। वहाँ जब वहाँ खुद ही बोल दिया, किसी जगह को इंडिकेट खुद कर दिया, तो पर लगाने की क्या ज़रूरत है, है ना, वहाँ मतलब एक जगह की बात कर रहा है, तो वहाँ पर लगाने की क्या ज़रूरत है, तो वहाँ ये कितने लोग थे, तो यहाँ पे जो पर है वे गलत है, ठीक है। अब आगे देखिए, सब लोग अपनी राय दें, अब इसमें बताएं छठवां नंबर, सब लोग अपनी राय दें, ये व्याकरण संबंधित गलती है, तो देखिए यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया होगा तो, नहीं तो देखिए, देखिए यहाँ पे सब लोग हैं यानी कई लोग हैं, और अपनी राय दें, अपनी मतलब मेरी यानी किसी एक की, तो देखिए यहाँ पे सब लोग हैं यानी ज़्यादा लोग हैं, तो जैसा यहाँ पे करता होगा उसी अनुसार हमें यहाँ पे इसको भी यूज़ करना पड़ेगा, तो सब लोग अपनी अपनी राय दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब लोग अपनी अपनी, क्या होगा, अपनी अपनी, सब लोग अपनी अपनी राय दें, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, यह बात हर कोई जानते हैं, तो क्या होगा इसका सही उत्तर, यह बात हर कोई जानते हैं का क्या होगा, यह बात हर कोई जानता है, बहुत अच्छा, आप सभी कर रहे हैं ना मेरे साथ, आप लोग उत्तर बता रहे कि नहीं बता रहे हो, देखो आलसपन बिल्कुल नहीं चलेगा, मेरे साथ ही चलो, मेरे साथ ही बताते चलो, यूँ मत समझो कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चल रही है, यूँ समझ लो कि आपकी लाइव क्लास चल रही है, आप जैसे क्लासरूम में बैठे हो और मैं टीचर, आप मान सकते हो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन को उस पार हो तो आंसर देना ये ज़रूरी है, ठीक है, जितना हम लोग खुलेंगे उतना ज़्यादा ज़रूरी और भी और चीज़ें निखर के आएंगी। अब देखिए, बादाम खाओ स्वस्थ रहो, इसमें क्या गलत है जल्दी से बताओ भाई, आठवें नंबर में क्या गलत है, बादाम खाओ स्वस्थ रहो, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है, यहाँ पे देखिए बादाम नहीं होता है, ये होता है बादाम, ठीक है, यहाँ देखिए स्वर संबंधित गलती है, तो यहाँ पे होगा बादाम होगा, बादाम खाओ स्वस्थ रहो, बहुत लोग सोच रहे होंगे यार स्वस्थ की जगह स्वस्थ होगा या स्वास्थ्य होगा, क्यों होगा भाई स्वास्थ्य, ठीक है,
स्वस्थ और स्वास्थ्य में अंतर होता है, क्यों होगा? मैंने कल प्रत्यय पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि स्वास्थ्य कब होगा या प्रत्यय कब लगता है, तो अगर नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है? अब देखो, वह तुमसे अवश्य नाराज है, वह तुमसे अवश्य नाराज, इसमें कहाँ गलत है? अच्छा बताओ, नाराज होता है कि नाराज होता है? जल्दी से बताओ, आप लोग क्या बोलते हो? मैं तुमसे नाराज हूँ या नाराज हूँ? तो क्या होता है? नाराज होता है, ठीक है? यहाँ पे एक देखना, ये ध्यान से, ये वाला सेंटेंस ध्यान से देखना, ये देखो एक बिंदु है, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं ये बिंदु लगा दूँ तो ये सेंटेंस सही हो गया, और ये बिंदु अगर मैं हटा दूँ तो ये सेंटेंस गलत हो गया। सोच लो कितनी छोटी सी गलती है, इतनी छोटी सी गलती आप एग्ज़ाम में तुरंत कर दोगे, बिल्कुल भी बिना निसंकोच सोचे कर दोगे। और यहाँ पे हो सकता हो कि आप लोग है कि वह तुमसे अवश्य हटा दो, वह तुमसे नाराज़ है, आप सोचो कि अवश्य लगाने क्या हो सकता है ना? तो आप लोग ये सब गलती करके चले आते हो, एग्जामिनर इसी प्रकार से फंसाता है आपको। अब सोचिए, यहाँ पे गलती केवल एक बिंदु की थी, नाराज़ होगा यहाँ पे, ठीक है? ये याद रखना, आंगन में चार दीवारी है, क्या गलती है यहाँ पे? ईश्वर संबंधित गलती है, याद रखिएगा। वहाँ आंगन में चार दीवारी है, या बोलते हैं ना चार दीवारी के अंदर, तो चार दीवारी कितनी होती है? यहाँ कौन सी गलती है? यहाँ पे ये दीवारी जो है इसमें गलती है। कैसे गलती है, ध्यान से देखिए। देखिए चार मतलब क्या है? बहुवचन है। जिस प्रकार से यहाँ पे ये होगा उसी प्रकार से हम इसको भी रखेंगे, यहाँ पे बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन, यानी बड़ी की मात्रा दीवारी होगा, ठीक है? तो यहाँ पे चार दीवारी, ठीक है, चार दीवारी है। आगे देखिए, ग्यारहवां, पूजा का सामान मंगा लो, यहाँ दिख रहा होगा आप सभी को, पूजा का सामान मंगा लो का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सामान होता है। सामान क्या होता है? सामान मतलब तो इक्वल हो गया, तो पूजा का सामान मंगा लो, ठीक है? अगला देखिए, बारहवां नंबर, वह सीधा साधा आदमी है, बहुत सीधा साधा है, जैसे आप लोग हो सीधे साधे आदमी। कौन कौन सीधा साधा है या नहीं है? खैर आप बताओ, सीधा साधा सही है या नहीं सही है? तो बिल्कुल नहीं सही है, ठीक है, बिल्कुल नहीं सही है। यहाँ पे सीधा साधा नहीं होगा, यहाँ पे होगा साधा, ठीक है? सीधा साधा होता है, साधा नहीं होता। देखिए गलती कहाँ होती है ना, हम लोग बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं, तो उसी वजह से हम लोग सोच देते हैं कि वो शुद्ध है, लेकिन अशुद्ध होता है, हम लोग अशुद्ध उच्चारण भी करते हैं। अब देखिए तेरहवां नंबर, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? देखो बोलने में साफ आता है लेकिन अर्थ का अनर्थ हो जाएगा भाई। कक्षा में नहीं पढ़ाया जाता है, कच्छ में पढ़ाया जाता है, कच्छा ये वाला छ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, ठीक है? यहाँ पे ये गलत है। अब देखिए, वह बड़ा जबरदस्त शिकारी था या है, जो भी है, तो क्या है? वह बड़ा जबरदस्त शिकारी था, इसमें राइट आंसर क्या होगा या गलत इसमें क्या है? मैं बार बार सही बोल रहा हूँ, यहाँ पे गलत क्या है? तो इसमें जो गलत है वो यहाँ पे ये गलत है, ठीक है? जबरदस्त की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है? जब वह बड़ा जबरदस्त शिकारी था, जबरदस्त होता है, जबरदस्त नहीं होता है। आगे देखो, पंद्रहवा नंबर, राम लोकप्रिय शासक थे, यहाँ पे शासक है, ठीक है, शासक, शासक थे, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? कहाँ पे गलत होगा, जो मैं बार बार जिस पे जोर दे रहा हूँ, यहाँ पे शासक गलत लिखा हुआ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा शासक, ऐसे लिखा जाता है शासक, ठीक है, शासक ऐसे लिखा जाता है, इसलिए होगा। आगे देखो, आपका स्वास्थ्य कैसा है? कल मैंने प्रत्यय पढ़ाया था, किसने किसने वीडियो देखा है वो, अगर देखा होगा तो यहाँ पे तुरंत पकड़ लिया होगा कि यहाँ पे गलत है, क्योंकि देखो यार यहाँ पे क्या है, यहाँ स्वा लगा है, स्वा मतलब आ की मात्रा लगी है। मैंने कब बोला है कि जब प्रत्यय लगता है तो जो पहली वाले शब्द होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी मात्रा का फर्क पड़ता है, मैंने कल बताया था नियम। और यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगेगा, यह प्रत्यय, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वास्थ्य, ठीक है? तो आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये सही होगा इसका उत्तर, ठीक है? देखो, मेरी मनोकामना पूरी हुई, कौन है जो इसका राइट आंसर बता सकता है? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि 99% फेल हो जाओगे, या हो सकता है चलो 98 मान लेता हूँ। चलो बताओ इसका, मेरी मनोकामना पूरी हुई, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वे होगा मनः कामना। क्या होगा? मनः कामना, दिख रहा हो आपको, मैं बहुत छोटा लिखा हूँ इसको क्योंकि जगह की कमी है। देखिए मनः कामना होगा,
मनोकामना हम सब बोलते हैं, मनोकामना कोई शब्द सही नहीं होता, या मनह कामना होता है, मेरी मनह कामना पूरी हुई। गलती करके मत आना एग्ज़ाम में, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपने इसका सही उत्तर दिया तो ये समझ लो कि आप भी उन 2% में से हो, ठीक है। ये मत कहना कि मैंने कर लिया है और मेरे को तो आपने काउंट ही नहीं किया, तो मैं आपको उस 2% में काउंट कर लिया, ठीक है। अब देखो, ये देखो 18वां नंबर, बेटों में युद्ध हो गया, मजाक है तो बताओ जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। बेटों में युद्ध हो गया, तो ऐसा होता है क्या कभी, बेटों में कभी युद्ध होता है? नहीं, बेटों में लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, बेटों में युद्ध नहीं होता है। तो यहाँ पे होगा लड़ाई, बेटों में लड़ाई हुई, लड़ाई हो जाती है ना, लड़ाई। उसके बाद देखिए, दूध लीटर की नाप से बिकता है, दूध लीटर की नाप से बिकता है। लीटर दूध को नापा जाता है क्या, इंची टेप लो कितने मीटर दूध है, 5 लीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मापा जाता है, ठीक है। तो नाप नहीं होता यहाँ पे, यहाँ पे दूध को मापा जाता है, माप होता है, ठीक है, याद रखना, दूध लीटर की माप से बिकता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ ये देखिए, यहाँ पे हो, बेटों में युद्ध हो गया, ये तो ठीक, बेटों में लड़ाई हो गई, लड़ाई होती है, ठीक है, स्त्रीलिंग हो जाएगा, बेटों में लड़ाई हो गई, इस पे ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, पृथ्वी का रूप गोल है, रूप गोल है, इसमें आप बताओ गलत है कुछ कि नहीं गलत है। पृथ्वी का रूप गोल है, तो रूप गोल होता है, रूप गोल नहीं होता है, आकार गोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पृथ्वी का आकार गोल है, ठीक है, पृथ्वी का आकार गोल है, तो याद रहेगा ना ये चीज़ें। तो ये मैंने 20 प्रश्न लिए थे और उम्मीद है कि मज़ा आई होगी। अगर इससे और भी क्वेश्चंस या और भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करना चाहते हो मुझे बताना, मैं अगला पार्ट भी ज़रूर लेके आऊँगा। और हिंदी में कौन सा टॉपिक छूट गया है आप मुझे बता दो कमेंट करके, और मेरे ख्याल से शायद अभी कुछ टॉपिक्स, एक अभी 2-3 टॉपिक शायद बचे हैं, लगभग लगभग मैंने सब खत्म कर दिया, क्योंकि जैसे मेन टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे समास, संधि, अलंकार और रस हो गया, प्रत्यय, उपसर्ग, और ये हो गया तद्बोधसम हो गया, विलोम शब्द हो गया, तो मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कर डाली है ना इन दिनों में। तो फिर भी आप बता दो कौन सा टॉपिक आपको और चाहिए, तो और पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मोहित भाई, सॉरी हिंदी भाई मोहित शुक्ला, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लोगे तो मेरे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप आराम से देख सकते हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइक किसने किसने नहीं किया जल्दी से लाइक का बटन दबा के जाना, ठीक है, ऐसे ही मत जाना, लाइक का बटन दबा के जाना, सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।